नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। यूपी के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट। सूची में 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में, तो पत्थरदेवा से सूर्य प्रताप शाही को मिला टिकट, जबकि बंचरावा से राम नरेश रावत को बीजेपी ने उतारा। कांग्रेस और सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अखिलेश की लिस्ट से शिवपाल आउट, तो वहीं कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी मांगेंगी वोट। रायबरेली और अमेठी के बाहर भी करेंगी प्रचार। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने जारी किया लोक लुभावन घोषणा पत्र। 10 रुपए में आटा चीनी और 25 रुपए किलो घी देने का ऐलान। हर 100 किलोमीटर के दायरे में एक एयरपोर्ट बनवाने की भी घोषणा की। चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव। किसानों को राहत देते हुए कम अवधि के फसल कर्ज पर कुल 660 करोड़ के बकाए सूद को किया माफ। रबी की फसल के लिए आसान फसल लोन दिलवाना है मकसद। अबू धाबी के राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, पीएम मोदी ने किया स्वागत। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे राजकुमार। वडोदरा की घटना को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दाऊद से की शाहरुख की तुलना। कहा, दाऊद भी सड़क पर उतर आए तो भीड़ हो जाएगी जमा। विजयवर्गीय ने घटना के लिए शाहरुख को ठहराया जिम्मेदार। और 30 जनवरी को हो सकता है बीसीसीआई के नए प्रशासकों के नामों का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बीसीसीआई को भी नाम सुझाने की दी इजाजत। 27 जनवरी तक नाम सौंपने को कहा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।